हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये मैंने 9 नंबर की मैं पोशाक बना रही हूँ, उसके लिए मैंने ये चोली बना ली है। इसकी वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। फ्रेंड्स, ये मैं यहाँ से देखिए, ये मैंने स्लिप स्टिच के साथ ये यहाँ पर ज्वाइन करके यहाँ तक बना ली है। अब मैं यहाँ से आगे इसका घेरा बनाना शुरू करूंगी। सबसे पहले यहाँ पर हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, और फिर उसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से उसी में इस तरह से देखिए, फिर नेक्स्ट में भी हम 1 में 2 बार बनाएंगे। इस तरह से देखिए, इस रो में पूरी में 1 चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये 3 की चैन हो गई, फिर उसी में 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2, फिर उससे नेक्स्ट में 2। इस तरह से मैं इस पूरे रो को कंप्लीट करूंगी। वो मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर मैं 2 3, ये 3rd चैन में सिल्क स्टिच के साथ इसको ज्वाइन करूँगी इस तरह से। अब यहाँ 3 चैन लेंगे, 1 2 3। देखिए यहाँ पर हम ये एक तो हमारी 3 की चैन हुई, अब हम इसमें जैसे ये फरी है हमारी, हम इसमें से लेंगे डबल क्रोशिया ऐसे इस तरह से। इसमें से दो, हम 2 में से लेते हैं लेकिन हम इसमें से लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये इसमें नीचे के हिस्से में से इसको छोड़ देंगे, इसमें से लेंगे इस तरह से ऐसे ये। यहाँ पर एक चैन हो गई, और इसमें नेक्स्ट में लेंगे हम नीचे से इस तरह से, इस तरह से। फिर नेक्स्ट में, सॉरी, 2 हो गए हमारे, ये 2 हो गए। अब हम इसमें 2 लेंगे एक, और ये 2। फिर नेक्स्ट में 1 में यही नीचे वाले हिस्से में इसमें 1, और फिर नेक्स्ट में 1। तरह से 2 हो गए, इसमें 1 में से 2 बार लेंगे एक, और ये 2। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर 1 3 की चैन हो गई, फिर नेक्स्ट में 1 बार लिया, इसमें फिर 1 में से 2 बनाए, फिर 1 चैन में से 1, 1 चैन में से 1, फिर 1 चैन में से 2 बनाए। इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करूँगी। ये रो मैंने कंप्लीट कर ली है, देखिए इस तरह से बनाए, 1 में 1 और 1, फिर 1 में 2। देखिए ये 3 की चैन, 1 2 हो गए, 1 में 2, फिर 1, फिर 1, फिर 1 में 2। इस तरह से ये रो मैंने कंप्लीट कर ली। अब मैं इसमें 3rd चैन में ज्वाइन कर दूँगी। ये स्लिप स्टिच के साथ मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। मैं फिर 3 की चैन लूँगी, ये देखिए, ये मेरी थोड़ी वैसी ज़्यादा, मतलब मैंने ये लिया मोटी फूल है, तो इस वजह से थोड़ी झोल सी आ रही, तो मैं इसमें कोई ना इंक्रीज करूँगी ना ही बढ़ाऊँगी, इसमें
एक में एक ही लूँगी। देखिए नीचे से ये एक तीन की चैन हो गई, ये एक, फिर नेक्स्ट में ये नीचे नीचे से लेना है। हर रो में हमें इसी तरह लेना है, ये हम पहले पूरा लेते हैं लेकिन इसमें हमें सिर्फ नीचे से इस तरह से। इस तरह से रो को मैं कंप्लीट करूँगी। देखिए ये मैंने दो रो कंप्लीट किए हैं, इसमें प्रत्येक चैन में मैंने एक ही डबल क्रोशिया बनाया है, क्योंकि यहाँ पर हमारी यहाँ पर मैंने एक में से दो बनाए थे प्रत्येक चैन में, यहाँ पर दो में एक एक फिर एक में दो बनाया था, तो यहाँ पर झोल आ रही थी। मैंने यहाँ पर प्रत्येक चैन में सिर्फ एक बार बनाया, उसके बाद इस रो में भी मैंने प्रत्येक चैन में एक ही बार बनाया, तो इस तरह से मेरा ये घेरा बिल्कुल सही आ रहा है, फ्लैट बिल्कुल कंप्लीट। अब मैं इसके आगे इस तरह से बनाऊंगी कि यहाँ पर पांच में प्रत्येक चैन में एक एक बार बनाऊंगी, फिर एक में दो बनाऊंगी। आगे बना के दिखाती हूँ इस तरह से। ये देखिए एक दो तीन ये स्लिप स्टिच से जॉइन कर दूंगी यहाँ, इस तरह से, और यहाँ तीन चैन लूंगी, एक दो तीन, और अब इसको मैं इस तरह से बनाऊंगी, इसमें नहीं बना के इस नीचे वाले हिस्से में बनाऊंगी। ये दो हो गए, तीन, चार, ये पांच। अब मैं यहाँ पर एक में दो बार बनाऊंगी, देखिए इस तरह से, एक और ये इस तरह से दो, फिर यहाँ एक में एक, नेक्स्ट में एक, नेक्स्ट में एक, ये देखिए तीन हो गए, चार, ये पांच, फिर यहाँ पर एक में दो बार, इस तरह से। देखिए यहाँ पर मैंने पांच बार एक प्रत्येक चैन में से एक एक, फिर एक में दो, यहाँ पर पांच में एक एक बार, फिर देखिए ये दो बनाए हैं लास्ट में। इसी तरह से अगली रो में सिक्स में एक एक बार, फिर एक में दो करूँ, और उसके अगली रो में सेवन चैन में हम सेवन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके बाद एक में दो। इस तरह से जो बढ़ती जाएं आप, तो ये प्रत्येक चैन में एक एक बार ये किस उसी हिसाब से बढ़ाते जाएँ जिससे ये झोल नहीं आए। अगर आपको लगे कि झोल आ रही है तो आप एट में प्रत्येक एट बार प्रत्येक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएं, आगे नाइन कर लें, फिर दस कर लें, और फिर उसके बाद एक में से दो बनाते जाएं। मैं इस घेरे को कंप्लीट करके फिर आपको बताऊंगी। ये मैंने ये पूरा बेस कंप्लीट कर लिया है घेरा, यहाँ से मैंने बनाया था यहाँ तक तो इसमें दिखाया, उसके बाद मैंने प्रत्येक चैन में जैसे यहाँ से यहाँ तक सिक्स डबल क्रोशिया है, देखिए गिन के बताती हूँ, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ से पाँच प्रत्येक चैन में एक डबल क्रोशिया है, उसके बाद दो डबल क्रोशिया बनाए हैं, उसके बाद यहाँ पर यहाँ फाइव, यहाँ सिक्स, सिक्स चैन में प्रत्येक
मैं एक बार डबल क्रोशिया, उसके बाद एक में दो, इसी तरह से और यहाँ पर हर रो में एक एक डबल क्रोशिया बढ़ता गया है। यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, प्रत्येक चैन में एक एक डबल क्रोशिया 8 है, यहाँ पर प्रत्येक चैन में 9 डबल क्रोशिया है, 10 डबल क्रोशिया है, यहाँ 11 डबल क्रोशिया है, उसके बाद एक में दो, फिर 11 डबल क्रोशिया, उसके बाद एक में दो, इस तरह से ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इसमें फ्रिल बनाऊंगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये मेरा जॉइंट, यहाँ पर हम ये जॉइंट है तो मैं ये है ना, हम इसको इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर मैं पिंक कलर लगाऊंगी तो यहाँ येलो, यहाँ पिंक, यहाँ येलो, यहाँ पिंक, येलो, पिंक, येलो, पिंक, येलो, और यहाँ पर पिंक। लास्ट में जो हम यहाँ पर कलर लगाएं वही लास्ट में आना चाहिए, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसकी मैंने 11 रो बनाई है। आप इसमें छोटे कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो उसी हिसाब से कम कर सकते हैं। ये मैं 9 नंबर कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। इस ये देखिए, ये हमारी 3 डबल क्रोशिया बनाते हैं वो जॉइंट है, इसको हम छोड़ देंगे, हम ये उसके बगल से बनाएंगे। यहाँ से यहाँ पर इस कलर को ज्वाइन करेंगे इस तरह से, ये जो आधी चैन में से हमने डबल क्रोशिया बनाया था अब यहाँ 3 चैन बनाएंगे। देखिए 1 2 3, 3 चैन बना ली। अब इसी चैन में जो आधी चैन हमने नीचे बना ली है इसी में हम ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये दो निकाल दिए, फिर से दो, और दो बार और बनाएंगे इसमें उसी जगह से, फिर से इस तरह से 2 3, ये 3 बना ली और ये 3 की चैन हो गई। अब इसको हम देखिए, ये 1, ये 2 छोड़ के इसमें ज्वाइन करेंगे, ये तीसरे में ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ इस तरह से। अब हम फिर से यहाँ 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, फिर से उसी जगह पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो तीन, ये देखिए ये 3 की चैन और ये 3 डबल क्रोशिया। अब फिर से 1 और 2 छोड़ के तीसरे में सिंगल क्रोशिया के साथ ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से इस रो को मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाऊंगी। देखिए मैंने एक रो कंप्लीट कर ली है, ये यहाँ पर ये 1 और 2 के बाद इसमें हम सिंगल क्रोशिया, 3 चैन इस तरह से, फिर इसमें 3 डबल क्रोशिया, एक दो और ये 3 हुए। अब देखिए इसमें एक हमें 2 छोड़नी होती है, तो 1 और 1 2 छोड़ने के बाद हम इसमें जहाँ हमने ज्वाइन किया था वहीं पर इसको सिल्प स्टिच के साथ ज्वाइन कर देंगे इस तरह से।
एक और बनाएंगे, ये धागे को यहीं कट कर देंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से ये बन गई है। अब हम यहाँ पर एक येलो कलर की फ्रिल बनाएंगे। इसमें बनाएंगे, इसमें इसको छोड़ के इसके बराबर वाली में ये चैन है, इसमें बनाएंगे। इस तरह से जॉइन कर दी, तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, और फिर से वही तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं हमें। इस तरह से एक दो और ये तीन, इस तरह से फिर एक और ये दो छोड़ के ये तीसरी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीन चैन, एक दो ये तीन, एक दो और ये तीन डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से फिर एक और एक दो और ये तीसरे में थर्ड चैन में इसको फिर से सिंगल क्रोशिया। इस तरह से देखिए, देखिए कितनी सुंदर ड्रेस लगी बनने के बाद। ये इस तरह से ये लेयर बनती जाएंगी। फिर ये येलो बनाने के बाद इसमें पिंक बनाएंगे, ये वाली मजेंटा, फिर येलो, फिर मजेंटा, फिर येलो, इस तरह से यहाँ तक पूरी में बना के फिर आपको मैं पोशाक दिखाऊंगी। ये फ्रेंड्स मैंने ये कंप्लीट कर लिया इस तरह से, ये मैंने अब मैं इसकी लेयर पूरी कंप्लीट हुई है, आखिरी रो बनाऊंगी इसकी मैं, इसके किनारी। मैंने यहाँ पर ये डार्क लगाया था मजेंटा, तो यहाँ पर भी यहाँ से फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सिर्फ ऊपर एक धागा लिया था, लेकिन हम यहाँ पर इसको देखिए इस तरह से पूरे दोनों धागे के साथ बनाएंगे। इस तरह से वूल ज्वाइन करेंगे, इस तरह से एक दो और ये तीन, फिर उसी जगह से थ्री बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, एक दो तीन। देखिए ये तीन की चैन, ये तीन डबल क्रोशिया हो गए। अब हम दो चैन, एक दो, दो चैन को स्किप करेंगे, फिर ये तीसरी थर्ड में इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ दिया। अब फिर तीन चैन बनाएंगे, दो ये तीन, फिर से यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया उसी जगह से, एक दो तीन, फिर एक और दो स्किप करके यहाँ पर थर्ड में जॉइन कर दिया इस तरह से। इस तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ। ये मैंने पूरी रो कंप्लीट कर ली है।
अभी हमारी तीन चैन बची हैं, तो मैं इसको एक चैन ये एक्स्ट्रा है तो इसको यहीं एडजस्ट कर दूंगी, इस तरह से इसी में इसको ज्वाइन कर दूंगी। ये देखिए, और एक चैन बना के इसको इस तरह से नोट लगा के कट कर देंगे। देखो अब हम इसकी ये चोली है, इसकी किनारी बनाएंगे। यहाँ से ज्वाइन करूँगी मैं, लेके करूंगी। ये है सिंगल क्रोशिया के साथ, इसको इस तरह से एक एक में दो बार बनाऊंगा। फिर आगे इसमें भी दो बार, इस तरह से मैं यहाँ तक इसको कंप्लीट करती हूँ। देखिए ये दो सिंगल क्रोशिया बना लिए, अब दो चैन बनाऊंगी यहाँ पर। एक और ये दो, तो देखिए इस तरह से हमारा ये गले का कोना बन गया है। अब मैं यहाँ पर एक में एक ही बार बनाऊंगी, ये यहाँ तक इस तरह से यहाँ तक एक बार बनाऊंगी। फिर ये जैसे ये कोना बनाया वैसे ही एक में ही दो सिंगल कुर्सियाँ, फिर दो चैन, फिर दो सिंगल कुर्सियाँ यहाँ कोने पर बनाऊंगी, फिर यहाँ तक एक एक में से दो बार सिंगल कुर्सियाँ बना के यहाँ कंप्लीट कर दूंगी। कंप्लीट करके फिर दिखाऊंगी आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इस तरह से गला बना दिया है, ये आर्म होल भी कंप्लीट कर दिए हैं। इस तरह से मेरी मैंने ये 9 नंबर ये 10 नंबर ठाकुर जी को भी आराम से आ जाएगी, कंप्लीट कर दिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद ना आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।